सेवा बनी। जब हिंदुस्तान की मांग में सिंदूर भरा गया तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसलिए भी जहां दूसरे भाइयों की कुर्बानियां वहां मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानी है, मगर उन कुर्बानी देने वाले भी कई एक आलिम थे। वो जो आप हमारे उलमा से मेरठ से लेकर के दिल्ली तक उलमा की लाश लगी हुई, इतनी कुर्बानी दी जब हिंदुस्तान को आजादी का ये सेहरा मिला है। तो आलिम की हर जगह कुर्बानी। अभी 10-12 साल पहले मुस्लिम परसल्ला का मसला आया, शाह भानु का मसला आया, हमारे उलमाओं ने मुजफ्फर हुसैन आले रहमा जो मर्दे मुजाहिद थे अपने जलसे में हर साल आते थे, उन्होंने क्यादत की और लखनऊ में आगे गिरफ्तारी की मौलाना, तो सबसे पहले नबी के शहजादे ने हाथ आगे किया कि बकर हथेली दान, नबी का गुलाम गिरफ्तार होने के लिए आया है, गुलामी करने के लिए नहीं आया। उनके साथ भी सब आलिम थे जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो आप याद रखिए, सब आपके काम अच्छे, सब भाई अच्छे, लेकिन इस्लाम पे जब कभी आंधी चलती है तो कफन पहन के आंधी का रुख मोड़ने के लिए आपको आलिम ही मिलेंगे। आपका वक्त का शुक्रिया कि काफी वक्त हो गया। आपका बच्चा आलिम बनेगा तो इंशाल्लाह मस्जिद के मेहराब का इमाम नहीं बनेगा बल्कि कौम का भी मेहराब बनेगा। शौक साहब बैठे हैं, हमारे अयूब साहब बैठे हैं, हाजी कमर साहब, ये मेरे साथ जो चलते हैं प्रशासन में, उनको पूछो जब आपका ये खादिम 10 मिनट बोलता है तो कलेक्टर साहब खुद कहता है अभी बोलने की जरूरत नहीं, मुफ्ती साहब ने सब कुछ कह दिया। अरे भाई मैं तो मस्जिद का माहौल भी हूँ। कहा नहीं, जो मौलाना हमें कह रहा था मुफ्ती साहब ने सब कुछ कह दिया। तो इल्म की बरकत है। हर मौलवी मस्जिद का इमाम नहीं होता है, इमाम सबसे बड़ा रुतबा है। इमाम वो जो मस्जिद के मैदान के अंदर इमामत करे और मैदान कारजार हो तो वह भी इमामत है। और ये इमामत फकत आपका आलिम कर सकता है। आप पूछो मौलाना से, सबसे पहले इस्लाम की बड़ी जंग बदर हुई, उस जंग का कमांडर कौन था, झंडा किसके हाथ में था, किसी वकील साहब या आईपी के हाथ में नहीं था, अल्लाह के महबूब के हाथ में था। तो ये दीन की खिदमत, कौम की खिदमत, मुल्क की खिदमत, मिल्लत की खिदमत, जितनी एक दीन का आलिम करेगा उतनी दूसरी खिदमत नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को आलिम बनाए, और जो बच्चे आलिम बने हैं उनको अल्लाह कौम की, दीन की, मिल्लत की, अपने वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप दूर दराज से चल के, हमारा वो सैयद बेटा है वो नामालूम सैकड़ों मीलों से चल गया, वो दीवाना, ऐसे नामालूम कैसे दीवाना, आप उठाते हैं तो नक्शा बदलते, दुनिया के लिए मुफ्ती साहब ये दीवाना है, दीवाना नहीं है, ये अल्लाह का फरदाना, मगर कहां से चल के आया, कितनी मेहनत की वो जाने, उसका रब जाने, ये इसके नबी है और उस्तादों की मोहब्बत है, तो जंगलों से चल करके जोधपुर पहुंच गए। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।